नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप अरबी की खेती कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि अभी जो अरबी की जो बीज है उसको निकाला जा रहा है। किसी गड्ढे की सहायता से आप इस अरबी को रख सकते हैं जहां पर इस बीज को बनाया जा सकता है। तो आप जैसे ही यह बीज जून जुलाई के महीने में तैयार हो जाता है तो उसके बाद आप इसको निकाल लें। निकालने के बाद आप इसको किसी ऐसी सुरक्षित जगह पर रखें जहाँ से इसको कोई दिक्कत ना हो। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अरबी को और कैसे कैसे लगाया जाता है। यहाँ तक कि अरबी का जो बीज होता है वो भी कई तरीके की तरह की होती है, जैसे कि पंचमुखी, सी नाइन और भी कई तरह की अरबी पाई जाती है। लेकिन जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर तो सिर्फ दोनों तरह की ही अरबी लगाई जाती है। जैसे कि आप जो देख रहे हैं वो पंचमुखी अरबी है और इसके लिए जो घरें निकाल ली गई हैं तो आप उनमें अरबी कैसे लगाते हैं तो वो भी मैं आज आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको उसमें गारे निकालनी है। किसी हल की सहायता से आप इस तरीके से गारे निकाल लें। गार निकालने के बाद उसमें आपको अरबी डालना है। इस तरीके से आप अरबी डाल दें और उसके बाद 3 से 4 इंची इन अरबियों को नीचे गाड़ दें। इन्हीं घारों की मदद से आप जैसे ही नीचे अरबी गाड़ेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि अरबी को कैसे गाड़ना है। ये देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं अरबी को इस तरीके से आपको गाड़ना है। अरबी को गाड़ देने के बाद आपको इस पर दोबारा से फिर इसी तरह से घारे निकाल देनी है जिससे इन अरबियों को दबाया जा सके। और उसके बाद उस पर छोले के पत्तों को लाकर बिछाना है। जैसे कि हमारे भाई साहब यहाँ पर कुछ छोली काट रहे हैं, छोले के पत्ते जो होते हैं उनको हम इकट्ठा कर रहे हैं, जंगल से लेकर आएंगे। उसके बाद हम इन छोलियों को इस अरबी के ऊपर बिछा देंगे जिससे यह एक प्रकार की खाद होती है और यह खाद कभी भरपूर मात्रा में पाई जाती है और उससे इसमें कचरा भी नहीं उगेगा, जिससे अरबी और अदरक जो होता है वो आसानी से आता है और अच्छी छांव में रहता है, जिस वजह से इस पर टेम्परेचर का भी कोई असर नहीं होता है। यहाँ तक भी हम आपको बता देते हैं कि अरबी के जो ने के एक महीने बाद आप इसके पत्तों को भी मार्केट में सेल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो अरबी के पत्ते होते हैं वो इस तरीके से आपको सेल पहले कटिंग करनी है, फिर उसके बाद उनको आपको इकट्ठा करके बांधना है, उसके बाद आप इसको मंडी में सेल कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों।